दोस्तों, हम यहाँ पे पोखरा में है और पहला जो हमारा दर्शन के लिए हम जा रहे हैं वो है गुप्तेश्वर महादेव का द्वार है। यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे दर्शन करेंगे। ये शिव जी का द्वार है, देख रहा है यहाँ पे कैसी जगह है। देख, बहुत नाम सुना है इसका। और इसके बाद जो हमारा दूसरा जो ट्रिप होगा वो सामने पहाड़ से शिव जी का एक बड़ा सा स्टैचू है, वहाँ पे जाएंगे। चल तो चलिए चलते हैं। सर, विजिटर्स के लिए थोड़ा आपका नेपाली रुपीज 100 रुपीज लगेगा, जो कि यहाँ पे 62.5 रुपीज होगा। और हम लोग ये टिकट है, यहाँ पे आपको पर पर्सन ये बारकोड मिला है, वहाँ पे आगे गेट लगा है। और अब हम धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों से गुफा में जाते हुए, शायद ये आने यहाँ से निकास द्वार बनाया गया है, यहाँ से एंट्री बनाई गई है, तो आने पे ही पता चलेगा। गुफा में अंदर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लगभग आपको दिया गया है ना ही फोन कैमरा है ना ही मोबाइल कैमरा, कुछ भी नहीं ले सकते यहाँ पे। तो यहाँ से हमारा कैमरा बंद रहेगा, फोटो खींचना सख्त मना है, लेकिन फिर भी एक बार चेक करते हैं, क्योंकि एक दिन बोल दिया है कि ले सकते हैं बट बिना परमिशन के। अगर फोन गया ये गुफा है, आराम से नीचे लटक रही है, सीढ़ी बहुत वो है, स्लिपरी रहा है। और ये हम आ गए हैं गुफा में, गुफा है। एक बार चारों तरफ का गुफा का ले लो, गुफा का जो हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं, लगभग कुछ दूरी तक जाना पड़ेगा, हम कैमरा में देख के नहीं चल सकते, बहुत ही रिस्की हो जाएगा। ये हम आ गए हैं, अपने पैसे चालू है। यहाँ पे वाटरफॉल है, आपको आराम से देख के आना, पानी बहुत ठंडा है। और ये वाटरफॉल जो है, यहाँ से जो वाटरफॉल हम आपको डेविस फॉल में दिखाए थे वही वाटरफॉल है, अंदर अंदर यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे आके नीचे से फिर निकल जाएगा। तो काफी अच्छी गुफा है, यहाँ पे आने के लिए हम आपको रिकमेंड करेंगे, बहुत ही वर्थ है इसका। ये देखिए ऊपर ये पूरा बड़ा सा बस, अरे तो उसकी और ये देख, तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से सीधा वो पहाड़ी पे, शिव जी का स्टैचू है वहाँ पे हम लोग जाएंगे। अचानक मोड़ पे तो मोड़ उठा देता है, हिमालय अफगानिस्तान। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखाने वाला हूँ, इतनी ऊंचाई पे मैं चढ़ के आया हूँ, बस आप लोगों के लिए देखिए, यहाँ से धीरे धीरे देखिए और वो रहा हमारा हिमालय, वो हिमालय की चोटी है और यहाँ से लगभग 500-600 किलोमीटर दूर पे है, उसके बाद में चाइना का मतलब चाइना पड़ जाता है। और इससे भी खूबसूरत चीज अगर देखनी है तो हल्का हल्का धीरे से देखिए, इतनी बड़ी शिव जी की मूर्ति है और इनके आजू बाजू में देखिए शिवलिंग, कितना शिवलिंग है, ये देखिए जितना ऊपर है उतना ही नीचे है।
मैं यहाँ पे अपना स्विच खोल दूँ खूबसूरती देखिए, ये पूरा बड़ा सा शिवलिंग का घर बनाया हुआ है, उसमें शिव जी विराजमान है और बाजू बाजू जो इसका महादेव का सर्प जो नाग है वो सीधा उसको लपेट के आगे की तरफ दिखाया गया है। मतलब हर एक चीज यहाँ पे काफी सुंदर सुंदर तरीके से बनाया गया है, कोई भी चीज को इग्नोर नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं अगर कुछ भी इग्नोर नहीं हुआ है। आगे आप देखिए ये पूरे शिवलिंग यहाँ से लगभग 1000 अगर देखेंगे, अगर लिखा होगा तो ठीक है, नहीं तो काउंट करके आपको बताएंगे कितना शिवलिंग है। तो आगे है जो भी, अब हम लोग यहाँ से उपरा लेक में जाएंगे, वहाँ पे हम लोग बोटिंग करेंगे, बोट से बीच में जाएंगे। चलिए वहाँ पे चलते हैं। अब आराम आराम से, सब क्या बहुत दूर है, अभी चला लेंगे सब लोग। अरे सत्यम दुबे नाव चलाते हुए बोटिंग। यहाँ से हम जाएंगे आगे, वो एक मंदिर है बीच में, मंदिर वो सामने दिख रहा है, वहाँ पे हम लोग जाएंगे, वहाँ पे दर्शन करेंगे और फिर वापस आएंगे। शेर होगा भाई इसमें, चीता चीता पेड़ पर चढ़ना शुरू हो गया। अरे भाई अब उनका पति है, छोड़ो 300 गहरे बाब 300 चल जी। और हम यहाँ पे अब इस मंदिर पे पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। शिव जी का मंदिर है, लग रहा है स्टोरेज फुल हो गया मेरा। हम लोग निकल रहे हैं वापस अपने घर के लिए। सिद्धार्थ राजमार्ग पे हैं हम लोग, गंडकी से गंडकी पोखरा बोला। आशा है आपको हमारी वीडियो हमारा ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक करिए, ना पसंद आया तो भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगले टाइम में हम और एक जगह का ब्लॉग बनाएंगे जो कि ऐसे ही जगह पे हम जाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। तो ये सामने रहा नेपाल बॉर्डर, जहां से अब नेपाल का सीमा समाप्त हो जाएगा और इसके बाद हमारा इंडिया का सीमा प्रारंभ होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए।